धान खेते गेलो देया चुईभ गेलक कांटा बाथेला गोड़ मोरा रे माई को एक एक खिया से जाना माले हामी और बड़का दादा दादा के रख ले तो यापन पास हमरा काहे भेजे है परदेश। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ कुसमी से रांची। मैं मेरा घर कुसमी में है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लेकिन कुसमी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर बॉर्डर है झारखंड का, लेकिन मैं जाता हूँ जसपुर होकर। तो मैं यहाँ से जाऊँगा जसपुर, वहाँ से गुमला, फिर गुमला से सिसई, सिसई से रांची। तो ये है जसपुर का बस स्टैंड, देखिए रांची के लिए बस निकल रही है। मैं आज ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ जिनके गानों से नागपुरी जगत पहचाना जाता रहा है, जिनको झारखंड की स्वर कोकिला भी कहा जाता है, मोनिका मुंडू जी, जबरदस्त गायिका, जबरदस्त अदाकारा, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल ही 2-3 साल पहले जो MS धोनी मूवी आई थी उसमें भी एक्टिंग किया था। फ्रेंड्स अभी मैं गुमला क्रॉस कर रहा हूँ, अब इसके बाद आएगा सिसई, फिर रांची। अब यहाँ से लगभग 90-95 किलोमीटर है रांची। 11 से पहले पहुँच जाऊँगा, 12 बजे टाइम दिया था मोनिका जी ने, तो 12 बजे से पहले उनके घर पे पहुँच जाऊँगा मैं। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ हरमू चौक के थोड़ा सा आगे, मोनिका जी का घर इसके बगल में ही है। ये है मोनिका जी का घर, अब उनसे मिलेंगे, हम बातें करेंगे, अभी चलते हैं ऊपर की ओर और उनसे बातें करते हैं ढेर सारी और आप लोगों को भी दिखाते हैं। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल RM क्रिएशंस में। आज मैं हूँ मोनिका जी के साथ। मोनिका जी किसी पहचान की मोहताज नहीं, पूरे झारखंड पूरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर सिंगर, काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट। हम इनसे बात करेंगे आज, काफ़ी इंतज़ार के बाद इनसे मिलने का मुझे मौका मिला। नागपुरी संगीत जगत में मोनिका जी का नाम काफ़ी ऊपर, इनकी सुर की गूंज पूरे इंडिया में है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मोनिका जी कि ये संगीत का सफ़र है आपका, ये कैसे स्टार्ट हुआ? जोहार, नमस्कार आप सबों को। जहाँ तक आपने पूछा मंडल जी शुरुआत की बात, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती हूं, और जैसा कि आपने सुना होगा कि बंगाली परिवार गीत संगीत को बहुत तवज्जो देते हैं, तो मैं समझती हूँ जन्म से ही शुरुआत हो गई, क्योंकि हमारे रग में आ गया गीत संगीत। और जब मैंने होश संभाला तब मैंने देखा कि मेरे माता पिता रेडियो में बहुत गाने सुनते थे, तो वो जो गाने सुनने का उनका शौक़ और वो जो सुर का ढलान मेरे ऊपर, शुरुआत तो यहीं से हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जैसे बंगाली फैमिली से हैं लेकिन आप नागपुरी गाने बहुत अच्छा गाती हैं, तो नागपुरी की ओर झुकाव कैसे हुआ? जी सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को और श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनाया। और नागपुरी भाषा के प्रति लगाव यदि कहें तो ये भी श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, साथ ही साथ हमारी जो मूढ़ी वाली थी, क्योंकि बंगाली परिवार में आप ज़्यादातर सुने होंगे मूढ़ी बहुत पसंद करते हैं खाना, तो हमारे यहाँ जो मूढ़ी वाली आती थी बेहद खूबसूरत, और उसी तरह उनकी बोली, मीठी बोली, उन्हें हिंदी नहीं आता था, बांग्ला तो दूर की बात है, वो नागपुरी में ही बोलती थी। और साथ ही साथ मेरे पिताजी भी उनके साथ टूटे फूटे नागपुरी में बात किया करते थे, लगाव वहीं से हुआ, क्योंकि हमारी जो मूढ़ी वाली थी एक बहुत ही अच्छी महिला थी, उनसे लगाव होने के कारण मुझे इस भाषा से भी लगाव हो गया। इस तरह मैं नागपुरी को जानने लगी, और धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो वो मेरे अंदर समाया हुआ था भाषा, एक भाषा जो बहुत मीठा लगता है। जब बारिश का मौसम होता था बचपन में मैं खिड़की पर बैठी रहती थी, तो उस वक्त मैंने देखा था, आजकल मुझे देखने को ये नहीं मिलता, वो बांस की छतरी बनाते थे लोग, आदिवासी लोग बांस की छतरी बनाते थे, तो उसी तरह एक बहुत बुज़ुर्ग महिला थी, वो हमेशा
शायद कहीं कार्यरत होंगी, कहीं काम करती होंगी, वो एक बांस की छतरी लेकर, आप जानते ही होंगे कि आदिवासी क्षेत्र में लोग थकान के बाद थोड़ा बहुत हड़िया वगैरह पी लेते हैं, तो वो पीने के बाद बिल्कुल नाचती गाती झूमती हुई जाती थी। तो उनके जो गीत होते थे वो भले नशे में रहती थी लेकिन वो उनका गाया हुआ गीत अट्रैक्ट करता था मुझे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे कॉलोनी में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते थे हम सब उनके पीछे हो लेते थे और वो गाती हुई झूमती हुई जाती थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मौका मिला मुझे नागपुरी गाने का, वो मेरा गोल्डन टाइम था मैं समझती हूँ। ऐसा ऑफर आया एक बार, मैं सत्य भारती में फादर ललित तिग्गा, जो मेरे धर्मपिता भी रह चुके, आज नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, और मैं सत्य भारती में रिकॉर्डिंग करने जाया करती थी, धार्मिक गाने गाती थी। उस वक्त मुझे ऑफ़र मिला सालेम ग्रुप के द्वारा कि क्या आप नागपुरी में गाना गाओगे। उसमें मेरे हस्बैंड थे, मेरे देवर भूषण मुंडू, तेज मुंडू, इनका साथ था, और इन्होंने ही मुझे ऑफ़र दिया कि क्या आप गाना चाहोगे। तो मेरे लिए ये खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहा, मैं बहुत खुश हुई कि एक जिस भाषा को मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ उस भाषा में मेरे गीत निकलेंगे, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और शुरुआत फिर यहीं से हुई, पहला एल्बम मेरा फुलोरा हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक और मैं भी स्वयं वो पहला एल्बम का गाना सुनना चाहूँगा जी, बिल्कुल, उसकी दो लाइन आपकी आवाज़ में। बिल्कुल, उसमें फुलोरा में कई गीत थे और सारे गीत मेरा सौभाग्य रहा कि सारे गीत लोगों ने पसंद किया, और उसमें से कुछ ही गीत मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहला गीत जो बहुत ही मैं पसंद करती हूँ, मैं हर जगह इसे गाती हूँ और लोग भी इसे सुनना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे ये मेरे हस्बैंड का बहुत पसंदीदा गीत है, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी दो लाइन उसकी। पिया हूँ मैं नैन कर नींद आती चुराई की, पिया हूँ मैं नैन कर नींद आती चुराई की, हाय मुके दीवानी बनाए देले, मुके दीवानी बनाए देले, पिया हूँ मैं नैन कर नींद आती चुराए के। एक गीत और था जो बहुत ही पसंद है मुझे, ये मैंने हस्बैंड की पसंद का गीत गाया, और वो गीत जो मेरे और मेरे श्रोताओं के दिल में समाया हुआ है और बहुत प्यार भरा गीत है, वो भी मैं दो लाइन आपके लिए गुनगुनाऊंगी, वो भी फुलोरा कैसेट से ही है, जिसे मैंने और हरिंदर भाई ने आवाज़ दी थी। वो गीत है, चूड़ी ना लागे मोर दिल के, जोगाए रख बे दिल में बेसे, चूड़ी ना लागे मोर दिल के, जोगाए रख बे दिल में बेसे, नहीं रे नहीं तो तुम के दिले जिनेगी, कहियो तोर दिल मोए तोड़ाबो नहीं, चूड़ी ना लागे मोर दिल के, जोगाए रख बे दिल में बेसे। जबरदस्त गीत, जबरदस्त आपकी आवाज है, आपकी आवाज दिल तक उतरती है, इतनी मधुर आवाज है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप नागपुरी गाना गा रही हैं, उसके पहले भी आप गाने गाती थी, शायद बंगाली भाषा में गाना गाती होंगी आप? नहीं, मैं हिंदी भी गाती थी, बांग्ला तो गाती ही थी, हिंदी गाती थी, गीत भजन वगैरह गाती थी, कुछ क्लासिकल भी गा लेती थी। आपका पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड हुआ था? जैसा कि मैंने कहा कि मैं धार्मिक गीत हमारा पहला रिकॉर्ड हुआ फादर ललित तिग्गा जी के निर्देशन में, तो मैंने क्रिश्चियन
धार्मिक गीत मैंने गाए, मसीही गीत। उसके बाद मैं आधुनिक गीतों में मैं फ्लोरा कैसेट को ही, एल्बम को ही मानती हूँ, जिसे मैंने अभी, जिससे मैंने आपको दो गाने सुनाए। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी गायक होता है उसको दिशा दिखाने वाला कोई होता है, तो आपके संगीत के सफर में आपको दिशा देने वाला कौन था सबसे पहले? सबसे पहले तो ईश्वर था, सबसे पहले ईश्वर, क्योंकि उन्होंने ही, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई समझा या मेरे लिए उजाले का रास्ता दिखाया तो वो ईश्वर ही है। मैं इतनी जुनूनी थी और इतना मुझे संगीत का शौक था कि ये पता नहीं बताना उचित होगा या नहीं, मैं सच कह रही हूँ, जब भी माँ सरस्वती का पूजा आता था फरवरी के महीने में, या जब भी सरस्वती पूजा होता था, हम लोग सब मिल करके बहुत झूम करके गाते थे, और कई बार मैंने सपने में माँ को पाया, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी कभी कैसेट में गाऊंगी या स्टेज में परफॉर्म करूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आप जुनूनी हैं और आपके मन में प्रगाढ़ इच्छा है, और आप यदि वो गुण रखते हैं, तो ईश्वर रास्ता आपके लिए खोलता जाता है। और यही मेरे साथ हुआ। मैं पहले डांस के लिए आई, मुझे लोग नृत्य करते हुए देखा करते थे, शुरुआत मैंने दूरदर्शन में भी नृत्य से ही किया, और स्टेज में भी मैं डांस ही किया करती थी। लेकिन यदि कोई गाना गाता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं भी गा पाऊंगी, शंका थी मन में कि शायद मैं भी गा पाऊंगी, कि मौके की तलाश थी। तो धीरे धीरे ये मौका भी ईश्वर ने मुझे दिया, मैंने जो चाहा ईश्वर ने मुझे कभी निराश नहीं किया, तो मैं हर चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं इसी कड़ी में आगे जाना चाहूँगा, कोई भी संगीत, नागपुरी संगीत हो या कोई भी और संगीत हो, उसके लिए एक विधिवत शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने कभी इसकी शिक्षा ली क्या संगीत की? जी बिल्कुल लिया मैंने, मेरे गुरु श्री गणेश मिश्रा जी थे, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सुर का ज्ञान दिया। आज जो भी सुर मेरे अंदर हैं, शायद उन्हीं का आशीर्वाद है, ईश्वर तो हैं ही, साथ गुरु भी ईश्वर तुल्य होते हैं। माता पिता भी मेरे बहुत अच्छा गाना गाते थे, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र में, गीत संगीत के क्षेत्र में यदि चली जाऊं, तो वो डरते थे कि कहीं एजुकेशन ख़राब ना हो जाए। ये हर एक माता पिता चिंता करते हैं अपने बच्चों के भविष्य के को लेकर के, उनकी लाइफ बेहतर होने को लेकर वो चिंतित रहते हैं, इसलिए इस दिशा में वो हम आगे जाएं ये शायद नहीं चाहते थे। हालांकि हमारा बंगाली परिवार था, वो चाहते थे कि ठीक है ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कोई अच्छी जगह, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब करूं, नौकरी करूं, और हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले, इसलिए उन्होंने, मैं संगीत सीखूं इसके लिए उन्होंने बहुत दिन तक मुझे सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, और शायद कुछ भला ही सोचे होंगे हमारे लिए। लेकिन उनको जब ये पता चला कि हाँ मेरी जगह बेटी एक जगह बना रही है, तो फिर उनका साथ और आशीर्वाद दोनों ही रहा। और मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं गाना सीखूं। एक साल तक मैंने सीखा, क्योंकि उसके लिए गुरु दक्षिणा भी देने पड़ते थे, बहुत कम था लेकिन देने तो पड़ते थे। पिताजी को जब लगा कि मेरी रुझान गीत संगीत नृत्य की ओर ज़्यादा हो रही है, तब उन्होंने मेरा संगीत का सीखना बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं, फी मैं नहीं भरूंगा, ये बंद करो, पढ़ाई में ध्यान दो। उनका कहना भी सही था, शायद मेरी रुझान ज़्यादा हो रही थी उधर। लेकिन गुरुजी को ये, शायद हर गुरु को पता चल जाता है कि मेरे चेले में कितना गुण है या गुर है। तो एक दिन मेरे गुरुजी मेरे घर पे आए और उन्होंने पूछा कि क्लास क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैं बहुत उदास थी और मैंने कहा कि मैं नहीं सीख सकती। तो उन्होंने पूछा कारण, फिर मेरे पिताजी से उन्होंने बात किया, तो पिताजी ने भी कहा कि नहीं, ये अब नहीं जाएगी।
पढ़ाई लिखाई इसको करने दीजिए। तो फिर गुरुजी ने कहा कि मैं इससे फीस नहीं मांग रहा हूँ, मुझे फीस नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चे को मुझे दे दीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी मेरे गुरुजी ने मुझे एक तरह से, उन्होंने संगीत के लिए मुझे एक तरह से गोदी ले लिया था उतने वक्त के लिए, करीब 6 साल के लिए उन्होंने मुझे एक तरह से गोद लिया था, मैं ये समझती हूँ। और उन्होंने पूरे जितना हो सकता है उन्होंने पूरे ज्ञान देने की मुझे कोशिश की, और आज मैं जो भी जानती हूँ, जितना भी जानती हूँ सुर के बारे में, ताल के बारे में, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो इसी तरह से शुरुआत हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको नागपुरी संगीत से काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली, लेकिन वो कौन सा गाना था जिसमें आपको पहली पहचान मिली, पहला गाना, सुपरहिट गाना? मंडल जी, ऐसे तो बहुत सारे गाने थे। मैंने पहले ही श्रोताओं को धन्यवाद कहा है, क्योंकि मैंने जब नागपुरी में कदम रखा गाने के लिए, तो मेरे सारे गीत करीब करीब श्रोताओं ने अपने आँचल में झोंक लिया, तो ये मेरी खुशनसीबी है। लेकिन उसमें से जैसे मैं मंच पर जाती थी तो कई गाने श्रोता ख़ास तौर पर सुनना चाहते थे, तो उन गीतों में एक गीत और था, वो है ताली टूट ले रे गगरा फूट ले रे नाचो ना टंगरा में छम 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 मुहे को नगपुर कर छमिया रे मुहे को नगपुर कर छमिया रे। ये गीत थी। बहुत अच्छा गीत है, आपकी आवाज़ से तो हम मदहोश हो जा रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी। मैम, अभी तक आपने किस किस भाषा में गाने गाए हैं? अभी तक मैंने करीब करीब 13 भाषाओं में मेरे गीत हैं, लेकिन मुझे लोग ज़्यादातर खोटा नागपुरी से ही पहचान मिली है। वैसे मैंने भोजपुरी गाया, झारखंड के कई जो भाषा हैं, संथाली, उराव, मुंडा, खड़िया, पंच परगनिया, इन कई भाषाओं में मैंने गाए हैं, तो कुल 13 भाषाओं में मैंने गाए हैं गाने। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, 13 भाषाओं में मैम ने गाने गाए हैं। मैम, एक्चुअली हमारा देश हिंदी भाषी देश है, एक्चुअली हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और बॉलीवुड सबसे ऊपर है इसमें, तो मैं जानना चाहूँगा आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई आपका गुरु है कि नहीं? बिल्कुल है ना, आशा जी, मैं आशा भोसले जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कह सकते हैं, किशोरदा की फ़ैन हूँ, लता जी की फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने फॉलो आशा जी को अधिक किया है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उन्हें ही फॉलो करके जितने भी गाने हैं मैं गाती हूँ। आशा जी का गाना कोई अगर आप गा के सुना दे, 2 लाइन उसकी आपकी आवाज़ में। ज़रूर कोशिश करूँगी। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है वो गीत है जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी ये नजर लौट के फिर आएगी दूर तक आपके पीछे पीछे दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली आएगी जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ये नजर लौट के फिर आ